Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. अभी भी बहुत चीजें हैं जिसके बारे में और डिटेल्स आना बाकी है, और क्योंकि ये एक केंद्र सरकार का की पॉलिसी है जिसमें कि सब मंत्रालय इन्वॉल्व है, और रेल मंत्रालय भी इसी पेंशन स्कीम को अडॉप्ट करेगा पार्ट है उसका। तो बहुत चीज़ें ऐसी हैं जिसकी जानकारी हो सकता है कि अभी कन्फर्मिटी के साथ हम लोग नहीं दे सकते हैं, वो तब और डिटेल और इन डेप्थ आपको दे पाएंगे जब और डिटेल्ड इसके पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स आएंगे और इसके वेरियस मिनिस्ट्रीज से या फाइनेंस मिनिस्ट्री से या रेलवे मिनिस्ट्री से जो भी सरकार के कर्मचारी हैं उसमें काफ़ी बड़ी संख्या रेलवे कर्मचारियों की, और तो रेलवे मंत्रालय काफ़ी तरह से प्रभावित होगा और इसका लाभ उठाएगा हमारे जो कर्मचारी होंगे। तो इन सब चीज़ों के परिप्रेक्ष्य में देते हुए जो अभी तक हम लोग को जानकारी मिल पाई है और जितने है उसी के आधार पे हम लोग आपके प्रश्न का जवाब दे पाएंगे। ने बिल्कुल ही उचित कहा कि जो जो एनपीएस में एक बहुत बड़ा संतोष था कि आय की स्थिरता के बारे में और एक फिक्स्ड पे आउट नहीं मिलता था जो कि मार्केट ड्रिवन रिस्क से गवर्न था, उस को कवर करने का प्रयास किया गया है और मुझे आशा है कि इससे हमारे एम्प्लॉइज को काफ़ी लाभ मिलेगा। मिस्टर डीआरएम, आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये क्लैरिफिकेशन देने की क्या जरूरत है, क्या ऊपर से कोई इंस्ट्रक्शन है? नहीं, ऐसा बेसिकली क्या है, कोई भी इम्पोर्टेंट पॉलिसी गाइडलाइन चाहे रेल मंत्रालय से हो और या फिर हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड हो जिनका इम्पैक्ट हमारे एम्प्लॉइज़ पे डायरेक्टली पड़ता है, ऐसे विषय में हम उसकी जनता तक पहुंचाने हमारे एम्प्लॉइज़ तक पहुंचाने के लिए कोशिश करते हैं। तो इसी के प्रयास के अंतर्गत हम लोग ने प्रेस से बात करके ये जानकारी के और वाइडर कवरेज के लिए इसको इंडिया गवर्नमेंट ऑफ तक जो हमें फीडबैक मिला है हमारे यूनियंस के थ्रू, तो काफ़ी पॉजिटिव फीडबैक मिला है उनकी तरफ से। बाकी डिटेल्ड एग्जैक्टली होगा जब हमारे इनके साथ इंटरेक्शन होंगे फॉर्मल फोरम्स पे, तो और डिटेल आएगा। सर, रेलवे यूनियन पहले डिमांड कर रही थी कि ओपीएससी लागू रखा जाए। इसमें ओपीएस तो मतलब अभी इशू था कि एनपीएस की तुलना में हम क्या और फैसिलिटीज़ दे सकते हैं, तो ये एक स्टेप है जिसमें हमने इस पॉलिसी के अंतर्गत हमने दोनों बेनिफिट देने का प्रयास किया कि फिक्स्ड पे आउट जो कि पहले एनपीएस में नहीं था, एट द सेम टाइम इसे एक मतलब सेफ्टी हो जाती है एम्प्लॉय को आफ्टर पोस्ट।